गुड मॉर्निंग सभी को, कैसे हैं आज? हम लोग मलाबार स्पेनिच मलाबार पालक बनाने वाले हैं। ये मलाबार पालक मेरे घर पे ही है, हुआ है एक ही झाड़। देखे कितना बड़ा हुआ है, जिसे मैंने डंडिया और पत्ते अलग अलग कर लिए हैं। इसके साथ मैंने 300 ग्राम्स तक का कद्दू लिया है, जिसे मैंने बड़े बड़े पीसों में काट लिया है। आप भी इस तरह से बड़े कद्दू को कटिएगा, जैसे क्योंकि जल्द ही बॉयल हो जाता है। आज की सब्जी हम बहुत कम मसालों में बनाएंगे हम। इसके लिए तो पहले हम 3 टेबलस्पून तक मैं ऑयल ले रही हूँ इसमें, और ऑयल गर्म होने के बाद इसमें मैं ज़ीरा डालूँगी और लहसुन को, कई सारे लहसुन जिसको मैं कच्चा बच्चा कर लूँगी थोड़ा सा। और ये जब हल्का सा फ्राई हो जाएगा, इसमें से कच्चापन हट जाएगा, तब इसमें मैंने कटी हुई हरी मिर्च को ऐड कर देंगे और इसे भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और कहा जाता है इसका अगर नियमित सेवन हम कर सकें तो ये हमारे आँखों के लिए, त्वचा के लिए, फिर स्पेशली अगर हम कोई गर्भवती है तो उनके लिए बहुत लाभदायक होता है। और ये रेसिपी को कंपलसरी आप जब ट्राई करें तो ये कद्दू के साथ ज़रूर इस तरह से पकाइएगा, बहुत टेस्ट रहता है। तो पहले हम कद्दू और जो इसके स्टेम्स को अलग, जो हम एक एक 1.5 इंच का कट करे थे, आप भी इस तरह से कट करिए। अगर आपको छोटा चाहिए तो इसे तो छोटा भी आप कर सकते हैं। फिर इसमें हम 1.5 टेबल स्पून तक नमक डालेंगे और 1 टेबल स्पून तक धनिया पाउडर डाल के इसे मिक्स कर लेंगे, और इसे करीबन 5 मिनट के लिए हम ढक देंगे, जिससे हल्का सा नरम हो जाए, पूरे मसाले भी ये एब्जॉर्ब कर सके। अब देखिए इसका कलर भी चेंज हो चुका है, आपको पता ही चल रहा है कि हल्का सा नरम भी हो चुका है। अब इसमें हम कटे हुए जो स्पिनच के पत्ते हैं, ये पूरे हम इसमें डाल देंगे। इस टाइम पे भी स्टार्टिंग में नहीं डालेंगे, स्टार्टिंग में डाले तो क्या होता, पूरे एकदम मेल्ट हो जाता है, हमें एकदम मेल्ट रहे तो अच्छा नहीं लगता इसमें, इसलिए हम लास्ट में अब डालिएगा इसे। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें इस स्टेज पे हम करीबन मैं 1.5 टेबल स्पून तक ब्लैक पेपर पाउडर डाल रही हूँ, और 1 टेबल स्पून तक लाल मिर्च, और 1/2 टेबल स्पून तक कश्मीरी मिर्च दे रही हूँ, और इन सभी मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर ले रही हूँ पूरे को। और इसे हमें तब तक फ्राई करना है जब तक करीबन 40% तक आपको पकाना है। अगर वो समझ में नहीं आ रहा है तो अच्छी तरह से देखिए कि इसमें से हल्का सा ऑयल बाहर निकल रहा है, तब इस स्टेज पे हम इसमें पानी डाल देंगे। और इस पानी भी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, कम ही डालना है। अगर हो सके तो 400 ml पानी डालिए। ये मेरा करीबन 500 to 600 grams की सब्जी मैंने ली है, तो उसमें 500 ml से पानी डाल रही हूँ। इसमें डाल के हम इसे करीबन 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम में बॉईल करेंगे। देखिए कितने अच्छी तरह से गल चुका है पूरा सब्जी। इसे फिर से हम 1-2-3 मिनट तक पका लेंगे। ये देखिए हमारी सब्जी भी रेडी है सर्व करने के लिए। इस तरह से ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए।